जो मजलूम तबका है, जिस तबके को इंसान नहीं माना जा रहा था, जिसे बराबरी का दर्जा नहीं था, जिसके छू लेने से अपवित्र हो जाने का खतरा था, जिसकी छाया से व्यक्ति जो है दूषित हो जा रहा था, उस तमाम तबके को बाबा साहब वहां से उठा करके लाए और आज आप देख रहे हैं कि मंच पर भी बैठे और कुर्सियों पर बैठे और बहुत आगे तक निकल गए। इसीलिए हमें उस मिशन को याद करने की जरूरत है। आप याद कीजिए कि बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे अपने दौर में, क्या वो लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंची है? तो पाएंगे कि नहीं, अभी वो लड़ाई अधूरी है। अभी तक हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जिसकी की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। हमारे पूर्व वक्ता सर ने एक बात कही थी, रामधारी सिंह दिनकर साहब की पोइम के बारे में कहा था कि जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम तटस्थ नहीं हैं, हमने इस दौर में अपनी एक पोजीशन ली है और वो पोजीशन ये है कि हम हमारे पुरखों के जो सपना था उस सपने के साथ खड़े हुए और यही हमारी पोजीशन है। आज जिस दौर में हम यहां पर हैं वो एक दौर ऐसा है जहां इस देश का निजाम हमारे पुरखों के सपनों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। जो हुक्मरान बनकर के बैठे हुए हैं वो उस सपने को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पुरखों ने देखा था। वो सपना ये था कि इस देश के तमाम जो शोषित पीड़ित मजलूम लोग हैं, जिन्हें सदियों से पीछे धकेल दिया गया था, वो इस पूरी की पूरी लाइन में आएंगे, मुख्यधारा में आएंगे और अपना जो ड्यू शेयर है, जो उनका जरूरी हक है, वो हक उन्हें मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो हक उन्हें नहीं दिया गया और इसीलिए हम ये लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं। जब हम लोग यहां बैठे हुए हैं तो हमें याद करने की जरूरत है, हम तमाम लोग उस दबे कुचले तबके से आते हैं और आज अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि यहां एक दो तबका अभी भी नहीं है। जिस तबके से मैं आता हूं, क्या आदिवासी समाज से यहां कुछ लोग हैं? नहीं है। यह हमारी एक कमजोरी है साथियों, यह हमारी कमजोरी है कि जब बाबा साहब का हम जन्मदिन मनाएं तो हमारे साथ उनको होना चाहिए था, लेकिन हम उन्हें नहीं जोड़ पाए। इसलिए हमारे लिए यह ध्यान रखना जरूरी है, जब मिशन को आगे लेकर के जा रहे हैं, लड़ाई को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो उनका यहां होना जरूरी है। लेकिन एक दूसरी बात है, उसको भी याद रखना जरूरी है, और वो दूसरी बात यह है कि जब हम लोग गाजियाबाद में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, उसी समय पर आदिवासियों का एक तबका छत्तीसगढ़ के भीतर अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस देश का सबसे बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ उसने एक लड़ाई छेड़ी हुई अपनी जमीन को बचाने की। आपने देखा होगा दो दिन पहले हसदेव में अडानी ने जंगल काटना शुरू कर दिया, लगभग 2 लाख हेक्टेयर का नई जमीन पर कब्जा करके जंगल काटना शुरू कर दिया। आदिवासी उस जंगल को बचाने के लिए लड़ रहा है। झारखंड के नेतरहाट का आदिवासी पिछले 28 सालों से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। 250 गांवों की जमीन है, 250 गांवों की जमीन पिछले 28 साल से लड़ाई लड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले 250 किलोमीटर पैदल चल के अपने नेतरहाट से रांची पैदल गया था अपने राज्यपाल से मिलने कि हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए, लेकिन वो जमीन वापस नहीं हुई। अभी पिछले ही वर्ष नवंबर में मणिपुर के भीतर 14 आदिवासियों को गोली मार दी गई और जब सवाल किया गया
तो पार्लियामेंट के भीतर कहा गया कि मिस्टेक इन आइडेंटिटी का मसला है, और ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मिस्टेक इन आइडेंटिटी का मसला है, हम पहचान नहीं पाए कि ये लोग कौन थे। क्या बावा साहब आज होते तो क्या ये सब देख रहे होते? क्या ये सब चलने दिया होता उन्होंने? मैं मानता हूं कि बाबा साहब ये सब नहीं चलने देते। वो उन 14 आदिवासियों के साथ खड़े हुए होते जिन्हें गोली मार दी गई, सिर्फ ये कहकर के कि हम पहचान नहीं पाए आजादी के 75 वर्ष बाद भी। और ये सबसे ज्यादा दुखद हमारे लिए है। हम तमाम लोग कई तरीके की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक डिग्निटी की लड़ाई है जो यहां पर बैठे हुए हम सब लोग लड़ रहे हैं कि एक इंसान को इंसान माना जाए, उसको बराबरी का हक दिया जाए। एक आईपीएस ऑफिसर को अगर घोड़ी पर बैठना हो तो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ना बुलानी पड़े। एक आर्मी के जवान को अगर घोड़ी पर बैठना हो तो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ना बुलानी पड़े। अगर किसी जितेंद्र मेघवाल को मुझे रखनी हो तो उसे अपनी मुझे रखने के नाम पर गोली या चाकू न मार दिया जाए, उसे जिंदा रहने के लिए हम भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे रखना आजादी के 75 वर्ष बाद क्या गुनाह है? क्या किसी आईपीएस ऑफिसर का घोड़ी पर बैठ करके अपना बिंदौरी निकालना गुनाह था? क्या किसी सेना के जवान का घोड़ी पर बैठ करके अपनी बारात ले जाना गुनाह है? क्या बाबा साहब ने, हमारे पुरखों ने, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो, बॉनिफास लाकड़ा हो या कोई और हो, उन्होंने यही सपना देखा था कि 75 वर्ष बाद भी आपको इसी तरीके से मारा जाएगा? मैं मानता हूं कि उन्होंने यह सपना नहीं देखा था। ना ही उन्होंने यह सपना देखा था कि उड़ीसा के भीतर जगत सिंहपुर के गांव के आदिवासी पिछले 3 साल से अपने गांव के बाहर कदम नहीं रख पाए हैं। 3 साल हो गए उनको गांव की परिधि के भीतर एक बच्चा तक बाहर अपने गांव से नहीं गया है, क्योंकि उन्हें डर है जिस दिन गांव से बाहर जाएंगे, पॉस्को जो कंपनी है आपकी दक्षिणी जो है कोरिया की, वो उनके गांव में घुस करके उनकी जमीन पर कब्जा कर लेगी। 3 साल पहले मई के महीने में उन्होंने, जब उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए थे, उस बुलडोजर के सामने सबसे पहले अपने बच्चों को चारों तरफ लिटा दिया, फिर अपनी आदिवासी महिलाओं को लिटाया और उसके बाद जमीन पर खुद लेट गए थे गर्मियों के मौसम में कि अगर बुलडोजर चलाना, हमारी जमीन छीननी है तो आइए निकल जाइए हमारे ऊपर से। और 3 साल से वो मूवमेंट इसी तरीके से चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है सर, पिछले साल जब पूरा देश किसान आंदोलन के साथ में खड़ा हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि मेहनत का पैसा क्या होता है, मेहनत की कमाई क्या होती है और उसको कैसे लूटा जा रहा है, इसलिए हम किसान का दर्द भी जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग उन परिवारों से आते हैं जिन्होंने ये मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन उसी किसान आंदोलन की तर्ज पर पिछले साल 17 मई से लेकर के आज तक छत्तीसगढ़ के सिलगेर में एक आंदोलन चल रहा है। लगभग 50,000 से ज्यादा आदिवासी वहां पर अपनी जमीन को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। 21 मई को 4 दिन बाद 4 लोगों को गोली मारी गई, उसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी जो उस गोली की वजह से उसे शिकार हुई मौत का। उनको 10,000 रुपए का मुआवजा, 1 कंबल दिया गया था। क्या बाबा साहब होते तो यही सपना देख रहे होते? आप जिस विभाग से आते हैं, जिस डिपार्टमेंट से आते हैं, जुडिशरी से, आज वो हमारे सामने लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लक्ष्मण रेखा सिर्फ दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए ही है? क्या उन्होंने अपने लिए कोई लक्ष्मण रेखा खींची कि इस देश की सुप्रीम जुडिशरी में आदिवासी, दलित, पिछड़ा क्यों नहीं है?
लक्ष्मण रेखा। आज जब बुलडोजर चल रहा है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, तब वो लक्ष्मण रेखा कहां जाती है। इसीलिए साथियों, जब हम लोग यहां बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो आज के दौर में हमें ये याद रखना होगा कि अगर बाबा साहब होते तो किन के साथ खड़े होते, और किस तरीके से जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करने के लिए लड़ रहे होते। मुझे उम्मीद है कि यहां तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, सब बहुत विद्वान लोग हैं। आप तमाम साथियों से एक ही गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि साथियों, जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए अड़िए। जिस बहुजन यूनिटी की हम लोग बात करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन यहां हॉल में भी होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन जमीन पर भी होना चाहिए। और क्योंकि हम लोग समाज से एक कदम आगे, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है उन तमाम लोगों को यहां एकजुट करने की, हमारे साथ में लाने की। और तभी जाकर के हम बाबा साहब का, जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना था उसे पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम जोहार।